सभी का गोरिल्ला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आपके कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए, कितने दिन रह गए, तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ 35 दिन रह गए हैं आपके पास, 20 आवर रह गए, 29 मिनट और 20 सेकंड। मतलब अब आप क्या करें। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में क्या करें। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अब वही चीज़ होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वही चीज़ हम आपको कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी फुल तैयारी हो गई तो आप टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट देंगे उतनी आप में क्या होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो बटरफ्लाइज होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो हम फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आज जो है आज से स्टार्ट हो गया है, ये शाम कल शाम तक रहने वाला है, इसको आप सभी दे सकते हैं। और टेस्ट लेना है तो उसके लिए भी, और लास्ट मोमेंट पे हमें ये देखना है कि कैसे रिवाइज करें। कोई स्टूडेंट होता है कि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हुई है, थोड़ा सा रहता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो यहाँ पर आपके लिए हम लेके आए हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज़ इसको पहले तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी, आज से अभी से जितना टेस्ट दे सकते स्टूडेंट, टोटल यहाँ पे आपको 12 टेस्ट मिलेगा। इसमें सारे स्ट्रक्चर जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से ये टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट, इस कॉस्ट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस कॉस्ट पे आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करें और अभी ज्वाइन करें। आप लोग पूछते हैं मैम क्लास मूवमेंट में क्या करें, तो ये करें, लाइक जिसकी तैयारी हो गई। अब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कमी रह रही है, तो लास्ट वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो कि लास्ट मूवमेंट पे रिवीजन, मतलब कि गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से आपको रिविज़न किया कराया जा रहा है। तो हमारे जो है यहाँ पर देखें, हमारा जो है कोर्स है, कोर्स आप देखें तो वो 2999 में आपको पड़ेगा। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें आपको लेक्चर मिलेगा और प्लस आपको नोट्स मिलेंगे, वो नोट्स जो कि लास्ट मोमेंट पे कहते हैं ना नोट्स चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल समराइज वे से उसी से हमें पढ़ना है, तो उस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, नोट्स और प्लस लेक्चर मिलेंगे। आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा होल अमाउंट में करें और इससे कॉस्ट भी कम हो जाता है, तो अभी आप क्या करें, हमारे कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें जो कि 3999 में आपको पड़ेगा। इसमें 276 लेक्चर होंगे, और वही लेक्चर होंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, राइट। वही लेक्चर होंगे, वही कंसेप्ट होंगे, वही टॉपिक होगी, वही डाटा होंगे जो कि लास्ट मोमेंट पे हमारी होनी चाहिए, राइट। तो अभी के अभी अवेल करें, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट होता है तो अभी आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो कि आपको दिख रहा है, वहीं पर आप कॉल करें। और ये स्ट्रक्चर्ड वाइज है, स्पेशल राजस्थान जीके हम करा रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन करें। जैसे इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, लास्ट मोमेंट पे अब गोरिल्ला क्लासेस पे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखिएगा पास्ट हमारा है, हमने जो जो क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस आए हैं, आप वो देख भी सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब जो जितने दिन 35 दिन रह गए वही चीज़ कराएंगे जो कि आपके राजस्थान RAS में पूछे जाएंगे। तो बने रहे गोरिल्ला क्लासेस के साथ, कोर्सेज को थोड़ा बहुत कमी है तो कोर्सेज ज्वाइन करें आप लोग, राइट। तो चलते हैं इसी के साथ, इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, क्या है इकोनॉमी से। तो बेसिकली इकोनॉमी से सर्वे हम करेंगे, इकोनॉमी से बजट करेंगे, इकोनॉमी के जो टॉपिक वाइज होता है वो हम करेंगे। तो चले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी तैयार हो जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा, फिर इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, अगर आता है तो आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, राइट, चैट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी चैलेंज द पोस्ट थ्रेट टू ग्लोबल ग्रोथ। याद रखिएगा
की पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का की पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे 2023। अब सर्वे एक दिन पहले आता है तो पता है, बजट से एक साल का पहले होता है, और जो बजट होता है वो एस्टिमेटेड होता है, मतलब फॉर द कमिंग ईयर। ओके, तो देखिए क्या है, COVID-19 पेंडेमिक ये है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये है, मॉनेटरी टाइटनिंग बाय सम नेशंस एंड एक्सेसिव एड टू यूक्रेन, ऑल ऑफ द अबव आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ रिसेंट ईयर। तो इन सारे में से सही है, और यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं आपने ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट, क्या है की पॉइंट्स। चले, तो आप सभी का जो है आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चले इस आंसर करते हैं, आंसर है ई। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया का बात नहीं किया गया, इस यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ में क्या आ सकती हैं बाधाएं, उसके आभास ये बात की गई। यस, COVID-19, हर एक कंट्री ने COVID-19 से सफ़र किया है, रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन, किसकी सप्लाई चेन, सबके इकॉनमी, सबके जो कंट्री के इकॉनमी सफ़र कर रहे हैं, मॉनेटरी टाइटिंग मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया तो रेट्स को बढ़ा दिए, और रेट्स को बढ़ा दिए तो वन ऑफ द बेजर जो एग्जाम्पल है सिलिकन वैली बैंक का फेल होना, उसके बाद दो और बैंक का फेल होना, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी। तो एक कंट्री में अगर कुछ होता है ना स्टूडेंट, तो पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में वो इफेक्ट करता है। एक्सेसिव एड, अगर यूक्रेन को बचाना है तो एड देंगे, तो ग्लोबल ग्रोथ में ये सारी हर्डल्स हैं, ये सारी बाधाएं जो हैं आ सकती हैं हमारे वर्ल्ड इकॉनमी को करने के लिए। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपके योजना से है, योजना हो गए, सर्वे हो गया, आपके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तो हमने आपको बोला है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टूअर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया। और आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट, हमने सारी योजनाएँ A to Z योजनाएँ हमारे YouTube पे आपको करा रहे हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, और प्रीवियस मैं आपको बताऊँ, जो RAS HCS जो हुए योजना, योजना से 12 क्वेश्चन आए, तो अगर आपने अब तक योजना नहीं किया तो करेंगे, और ये सोचेंगे कि सिर्फ राजस्थान की योजना, नो, आपको यूनियन योजनाएं भी करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं भी करनी पड़ेगी, और ये हुआ है, और उसी प्रकार से पैटर्न रहता है, राइट। तो ज़रूर योजनाएं करके जाएंगे, ये आप सभी को हमारी रिकमेंडेशन है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सभी का विकास, ओके। तो प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, दैट इज मनरेगा, ओके, PM किसान, किसी को मालूम है किसान, ये भी हमने कराया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी हमने कराया है, जरूर इसको देखेंगे आप, PM गरीब कल्याण जन योजना, ये तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, वेरी गुड, चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर, ये हिंदी में भी है स्टूडेंट, इसको पढ़ लीजिए, मनरेगा, PM किसान कल्याण जो योजना है, ये किसके लिए, ये तीनों क्या इंक्लूसिव ग्रोथ को करेगा, इंक्लूसिव मतलब पूरे कंट्री का ग्रोथ, एक भी पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। यस, तीनों जो हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में हैं, ये आपको एम्प्लॉयमेंट देंगी, ये हमारे फार्मर के लिए है, ये फूड के लिए है, राइट। तो कि कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे PM किसान, अगर हमने आपने हमारी वीडियोज़ देखते होंगे, आप हमें फॉलो करते होंगे, तो ये आपको आंसर पता होगा, राइट। ये सारी योजनाएं हमने आपको कराया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे PM किसान कब आया है, राइट, मनरेगा कौन से एक्ट के थ्रू आए, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका जवाब हम आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया टुक इट्स फर्स्ट स्टेप टूवर्ड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के लिए कब डेट बताइएगा, 1989, 1990, 1991, 1993, none of these, और इसको आपको इससे भी पता होना चाहिए, मान लीजिए डेट आ गया,
अगर आपसे 5 ईयर प्लान पूछ लिया, कौन सी जो 5 ईयर प्लान था उसके तहत आया, अगर ये पूछ ले तो भी आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी से स्टूडेंट आप लोग आंसर देंगे, आप सभी आंसर देंगे स्टूडेंट, आप इस सभी के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका आंसर हम रिवील करते हैं, हम बताएंगे 1991 में आया। अब हुआ क्या, इस दौरान हमारी क्राइसिस, इकोनॉमी क्राइसिस हुई, हमारे पास ऑयल खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। अभी देखिए हमारे पास कितना है, 600 करीब जो डॉलर हमारे बिलियन, इतने फॉरेन रिजर्व्स है। उस टाइम हमारे पास 1.2 डॉलर बिलियन ही थे। फिर हमें क्या, हमारे पास 2 वीक के लिए रह गया था, अब हम कहाँ जाए। तो हम IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, आप क्या करें अपने इकोनॉमी को ओपन करें, राइट। हम क्लोज इकोनॉमी थे तब तक, तो अपने उन्होंने बोला आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें। तो हम लेके आए एक पॉलिसी जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये किन्होंने दिया था, ये आपके मनमोहन सिंह। और इस मॉडल को मनमोहन राव मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको अब हम आपसे पूछे कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ये क्वेश्चन ये आया था, क्या आपका जवाब होगा। अगर आता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मैं आपको अगर बताऊं तो 7th, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 7th 5 ईयर प्लान के बाद जब हमने एनुअल प्लान का ब्रेक लिया था, उस टाइम आपकी ये आई थी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्रमोटेड इंडिया टू बी लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। कैसे लिबरलाइज, लिबरल कैसे होगी। अच्छा, अगर हम आपको बताएं लिबरलाइजेशन मीनिंग, हमें इकोनॉमी के टर्म्स की मीनिंग हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। लिबरलाइजेशन मतलब होती है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कम कर दिए। प्राइवेटाइजेशन, पहले आप देखेंगे कि एक कोई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इतने फॉर्मेलिटीज़ किया जाता था और पूरी मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की, तो उसमें बोला गया कि सिर्फ पब्लिक बिजनेस ऐसे भी पब्लिक सेक्टर के हाथों में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में और कंट्रोल होना चाहिए, राइट। जब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, कंट्रोल होना चाहिए ऑलवेज। एंड फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब हम पूरी कंट्री से, आप भी हमारे कंट्री में आएंगे, हम भी आपके कंट्री में। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन का कम कर देना। तो किसके बाद, हाई कंबाइंड डेफिसिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एलिवेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ख़त्म कर दिया गया महंगाई, लार्ज एंड अनसस्टेनेबल करेंट अकाउंट डेफिसिट। जब आपने BOP पढ़ा होगा तो करेंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट, तो डेफिसिट की बात की गई होगी। अगर आपने यूनियन सर्वे किया है तो वहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, क्या बताइए। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या आंसर होगा, ओके क्या आंसर होगा, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका होगा सी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा नहीं, यस हमारी डेफिसिट बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट, हमारी रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये सब इंक्रीज हो चुका है, राइट। कहाँ हमें 3% करना था, कहाँ हम COVID-19 में 9% चले गए। उसके बाद यस हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, यस हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर है, राइट, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट चली गई है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हम ऑयल जो है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो कौन सा हो गया है, राइट। नॉर्मली आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है, ओके चले। इसी के प्रकार से आगे बढ़ते हुए देखते हैं और कौन प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं, कौन कौन से प्रश्न। तो 5th क्वेश्चन करिए हमारे साथ, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम टू एनहांस इंडिया मैन्युफैक्चर
capability and export across the industries. The sector specific PLI scheme बहुत important scheme, ये भी हमने आपको कराया हमारे channel पे, जरूर आप इसको देखेंगे. PLI scheme बहुत highlighted scheme है ये. Have introduced what does P stand for PLI scheme. तो बताइए जो P word है वो क्या डिनोट करता है. प्रोडक्शन, पॉपुलर, पिलर्स, पॉपुलिस्ट, नन ऑफ द अबव. क्या होता है पी का मतलब क्या होगा? चले स्टूडेंट जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से अपने तैयारी को बूस्ट करेंगे. तो पी का मतलब है यहाँ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स. और मैं आपको बताऊँ तो ये स्कीम आई है और सिर्फ पहले लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, लेकिन अभी देखेंगे तो ये 14 सेक्टर और यहाँ पे. अब बोलेंगे क्यों लाया गया? तो अगर हम ब्लास्ट इकोनमी देखें तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया है सर्विस सेक्टर. ये हमारी कमियाँ हैं, राइट. हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं किया, तो हम इंडस्ट्रीज़ को, हमने मैन्युफैक्चर को डेवलप करने के लिए पीएलआई स्कीम लेके आए इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर के लिए. और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 14 लाया गया था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के लिए, अभी हम 14 सेक्टर इसमें लिंक्ड. तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए. और पीएलआई स्कीम जो कि हमारे रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा योजनाएँ में जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एश्योर अ मिनिमम एश्योर पेंशन अप टू अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर. ये भी योजनाएं हमने आपको कराया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हमने कराया है. अब इसमें जो 60 साल के जो हो जाएंगे उनको कितना पैसा मिलेगा? 2500, 3500, 2700, 3200, कितने पैसे मिलेंगे? चलिए स्टूडेंट जो जो लाइव हैं जल्दी से आंसर देंगे. आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपका बहुत कम समय रह गया स्टूडेंट. जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा. और अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी ना तो ज़रूर आपको ये आंसर आता होगा. अगर मान लीजिए नहीं देखी तो जाके देख लीजिए. तो चलिए मैं आपको इसका आंसर रिवील करती हूँ. यस, ये 3000. अब ये क्या है, ये 2019 में किसानों के लिए लाया गया. जो 20 से 40 वर्ष के जो है किसान, वो अपना पैसा डालेंगे, राइट, पैसा डालेंगे. और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको 3000 मंथली रुपया मिलेगा, राइट, मिनिमम एश्योर गारंटी, जो कि 2019 में आया है. और अगर मिनिस्ट्री भी पूछेंगे आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, आपको एक एक चीज़ स्टूडेंट पता होना चाहिए, जो कि हमने कराया है, जाके आप देख सकते हैं. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. आपके सारे योजनाएं के मिनिस्ट्री, फिर से मैं रिपीट करूंगी, अगर HCS देखेंगे 2023 तो वहां पे योजनाएं से 12 से 13 क्वेश्चन आए. तो वो चीज़ आप मिस्टेक मत करेंगे, आप योजनाएं सारे कराएंगे. इसीलिए गोला क्लासेस की तरफ से सारी योजनाएं कराए जा रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखें स्टूडेंट, राइट. तो देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नन ऑफ द अबव. तो इसको बोला जाता है डे NRLM स्कीम. कब आया और किस मिनिस्ट्री के अंडर होता है ये मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था तो हमने इसको कवर किया है करंट अफेयर में, इसको भी आप जाके देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. अब ये आपके कंसेप्ट बेस इकोनॉमी से के कंसेप्ट, हमने सर्वे देख लिया, मिक्स क्वेश्चन में आपके लिए लेके आई हूँ. हमने सर्वे देख लिए, कुछ योजनाएँ से क्वेश्चन देख लिए, अब हम कुछ बेसिक, क्योंकि अगर देखें लास्ट प्रीवियस ईयर RS के क्वेश्चन तो काफ़ी इकोनॉमी के क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन आए हुए स्टूडेंट. और ये नहीं कि लोकल कि आपसे ईयर पूछ लिया, बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ डेप्थ में आए हुए हैं, तो आप ये पढ़ के जाइएगा.
और अगर आपने लास्ट टाइम रिवाइज करना है तो आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर बाय करें। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन द इकॉनमी इट इज़। अब मान ले इंटरेस्ट रेट हम कम कर दें, राइट, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इकॉनमी, ये पूछा गया है। कंजम्पशन डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी, इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकॉनमी। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए एक हाउस होल्ड होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेक्टर ऑफ इकॉनमी में, और एक बैंक होता है और एक क्या होता है, फर्म। अब फर्म कभी भी सेविंग नहीं करता। अगर फर्म के पास सेविंग होता तो वो तो सेव करता और बैंक में रखता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए इकॉनमी में जो सेव करते हैं उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे मैम सेव फर्म सेव नहीं करता, फर्म जब सेव करेगा स्टूडेंट तो हम उसको फर्म नहीं इन्वेस्टर नहीं उसको हाउस होल्ड बोलेंगे, राइट। अगर कंज्यूम करेगा तो उसे हाउस होल्ड बोलेंगे, उसको फर्म नहीं बोलेंगे। फर्म ऑलवेज प्रोड्यूस करता है, तो हाउस होल्ड जो सेविंग करती हैं वो बैंक में डिपॉजिट करती हैं, उसके बाद बैंक जो है लोन देती हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब जब बैंक को, मान लो ये इन्वेस्टर है, कब पैसा लेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ऐसे ही बात, मान लो एज अ बिजनेसमैन आप सोचो अपने आप को, इकोनॉमी में एक चीज़ होती है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा उसकी तरह आप अपने आप को क्या करें, चेंज कर ले कि अपना कभी कंज्यूमर बन जाए कभी प्रोड्यूसर बन जाए। तो प्रोड्यूसर कब लोन लेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इकॉनमी में माना जाता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, सेविंग तो होगा ही नहीं। क्यों आप अपनी सेविंग क्यों बैंक में रखोगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने जहन में डाल लीजिए, ध्यान रखिएगा जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो फर्म जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा लोन लेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टर ज़्यादा लोन लेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो हमारी इकॉनमी की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझ आ रहा है आपको? चलिए इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से ये योजनाएं हैं आपके पास। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये आया हुआ है। तो किसके लिए लाया गया, इंस्टॉल सोलर पावर पैनल ऑन रूफ टॉप, सोलर पावर पैनल, अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, कैपिटलाइज द डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, प्रमोट इलेक्ट्रिक बसेस एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। सौभाग्य स्कीम किस लिए लाया गया, जैसे कि आपको दिख ही रहा है ये स्कीम लाया गया है। याद रखिएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज़ करेंगे कि यहाँ पे रूफटॉप ए और बी में, ये तो आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सोलर पैनल नहीं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, और गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन जाए उसके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, एक योजना है उजाला योजना, एक है उज्ज्वला योजना, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उजाला आया या उज्ज्वला? वैसे पता होगा, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन सा स्कीम है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वेट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसके बारे में भी करंट अफेयर में मैंने कराया स्टूडेंट, तो इसको देखे बहुत जो है हर एक चीज़ कवर किया जाता है गुइला क्लासेस पे, तो आप इस पे टच रहे, ईच एंड एवरीथिंग अप टू डेट जो भी चीज़ें होती है आपको। तो मैंने अभी IIP के बारे में बताया है, करंटली ये न्यूज़ में था, ओके। तो देखिए किसका वेटेज ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, माइनिंग की, एग्रीकल्चर की। तो अगर इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ IIP क्या होता है, देखिए CPI WPI क्या होता है, महंगाई को मापता है, उसी प्रकार से IIP नाम से ही समझ आ रहा है, इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को कितना ग्रोथ हो रहा है ये नापता। पता तो चले मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या ट्रेंड जा रहा है, जैसे कि हम GDP कैलकुलेट करते हैं कि इनकम नापने के लिए, उसी प्रकार से इसके लिए भी।
तो हमेशा याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग के का बहुत वेट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे याद रखेंगे, पॉइंट्स वाला पॉइंट्स के बाद वाला अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। 77%, 14% माइनिंग, इसको तो काट ही दे, एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कम बैटेज है 7, तो 77, 14, 7 हाफ कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, अब आइटम भी याद रखिएगा, 100 में से इसको वेटेज दिया गया। आइटम टोटल आपके अगर देखें तो 407 आइटम है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का 405 आइटम है, और एक इसमें आइटम है और एक इसमें आइटम है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये है, क्लियर है आप सभी को? तो ये आपको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, जैसे कि हर एक चीज़, मतलब मैं आपको बताऊं आरएस में काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस से भी आया है। तो सारे, अब मान लीजिए ए टेक्स्ट बायोन्सी हम एडवांस इकोनॉमी में पढ़ते हैं और आपके सवाल आए हुए प्रीवियस ईयर में, ओके तो ये चीज़। चलिए कुछ बैंकिंग से क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉड मनी, आपने पढ़ा होगा मनी सप्लाई की क्लासिफिकेशन M1, M2, M3, M4, तो उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए M3 का क्या फॉर्मूला है। तो A है करेंसी विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, करेंसी डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विथ RBI, करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, करेंसी डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो मुझे आंसर देंगे स्टूडेंट, क्या लग रहा है आपको, क्या सही है? तो M3 होता है ब्रॉड मनी, इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो इसका जो है डी आंसर है, करेंसी विथ पीपल, जो लोगों के पास पैसा होता है, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होता है, अदर डिपॉजिट विथ RBI, RBI के पास गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, एक्सटर्नल जो बैंक होते हैं उनका पैसा होता है, सब कुछ आपको अदर डिपॉजिट में आ जाएगा, और नेट टाइम डिपॉजिट भी होता है। तो हम इसको अगर शॉर्ट में M1 प्लस, ये M1 का होता है फॉर्मूला करेंसी विथ पीपल, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, M1 होता है, प्लस आप कर देंगे नेट टाइम डिपॉजिट। तो आपको किसी प्रकार से, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, वो आपको आते हुए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, तो आप डरिएगा मत, आराम से अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, आपका क्लियर हो जाता है, राइट? चले, तो इस प्रकार से M1 भी कर लीजिएगा, M2 भी कर लीजिएगा, M3 भी कर लीजिएगा, M4 भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये भी इकोनॉमी के कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन। डंपिंग हमने बहुत बार सुना होगा कि भाई चाइना जो है वो हमारी कंट्री में डंप करता है, ऐसा ही सुना होगा, लेकिन इकोनॉमी में डंपिंग का मतलब अलग होता है। और अगर आए, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग कैसा सिचुएशन होता है? तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सप्लाई मोर, यहाँ मोर है, देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट, सप्लाई मोर इन डोमेस्टिक मार्केट, सेल अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट एंड चार्ज हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, सेल अ कमोडिटी एट हायर प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट एंड चार्ज अ लो प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ स्टूडेंट, मान लो कि डंपिंग का मतलब नहीं, लेकिन ये तो पता है कि चाइना हम पर डंप करता है। अब वो डंप क्यों करता है? क्योंकि प्राइस लो होता है, ऐसा ही है कुछ, है ना, वो करता है लो। तो आप ढूंढो, मतलब आपको नॉर्मल भी अगर हो, आपको इकोनॉमी के कंसेप्ट नहीं पता, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कहीं आपको लोअर प्राइस दिख रहा है, लोअर प्राइस वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट मतलब चाइना इंडिया में करता, तो वर्ल्ड मार्केट ही हो गया, तो लो प्राइस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं भी हो, एज वहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना स्टूडेंट, और जनरल भी आप करोगे तो क्वेश्चन, मतलब एरर के चांसेस कम होते हैं। अगर 100 में देखे तो मान ले कि 5% हो जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो सकता है,
राइट और क्या 95 तो सही रहेगा ना, ये बात हो जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर ये इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन है, तो हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रेंज इंडिया जीडीपी इन 23-24। एक चीज़ का याद रखिएगा, सर्वे से अगर होगा तो 23-24, अगर सर्वे से होगा तो आपका 22-23 होगा, और बजट से होगा स्टूडेंट बजट से तो 23-24 होगा। ओके ये है, क्योंकि ये बजट आता है एक्सपेक्टेड ईयर के लिए और सर्वे आता है प्रीवियस ईयर का डाटा होता है। तो जब मैं आपने आप लोगों को बजट कराया तो मैंने आपको रिवाइज एस्टीमेट, एक्चुअल एस्टीमेट, एक्सपेक्टेड एस्टीमेट, FY23 क्या होता है, हर चीज़ को क्लियर किया है। तो आप ज़रूर हमसे टच में रहें, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या है, अगर इकोनॉमी सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग देखे तो क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है 6 और 6, ये बोला गया। अगर बोलेंगे कि बजट का कितना है तो आप मुझे बताइए बजट का कितना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस को देखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के बजट से क्वेश्चन। तो देखते हैं 14th क्वेश्चन हमारे राजस्थान से है, बजट से। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस एट टोंक। टोंक आया है तो टोंक जो है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे तो नहीं है, हाँ मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास भी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे हम कुछ इनोवेटिव करेंगे। तो टोंक जो सिटी में आपको आया है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, एपीकल्चर, बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अब जवाब दीजिएगा मुझे, ये सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस टोंक में किसके लिए खुलवाया गया है, बी कीपिंग के लिए और एपीकल्चर के लिए खुलवाया गया है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट और उसमें बहुत सारे, अगर आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बजट और वही चीज़, मतलब मैंने और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कराया है, बिल्कुल पूरा नहीं कराया, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते उस वही कराया है, तो ज़रूर आप देखेंगे। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिग इन सिरोही। सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुलवाया गया है, किसके लिए। तो मैं आपको हिंट अभी नहीं दूंगी, पहले सवाल कीजिए फिर हम आपको आंसर देंगे। तो प्रमोटिंग इको टूरिज्म, फ्रूट कल्टीवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग डेवलपमेंट। तो जो फिग जो है वो लाया गया है फ्रूट कल्टीवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। जो सिरोही, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, हम आपको बताएंगे, लेकिन हम इस गई जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, गोयला क्लासेस की तरफ, गोयला क्लासेस में आप बने रहें, ये सफ़र हम तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ऐसे ही मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी, तो बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि गोयला क्लासेस ने अचीव किया है, जैसे कि महक हो गए। यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बहुत सारे रिजल्ट जो हमारे आए हैं, मयंक, आकृति, ये सारे, और यहीं पे भी नहीं ख़त्म होता, और भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, इतने सारे स्टूडेंट जो कभी कभी अपने गोल्स को, अपने सपनों को पूरा किया है। तो आप भी RS बनने का सपना हमारे साथ जुड़ के पूरा कर सकते हैं। अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया
तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि जो भी योजनाएं आप देखिए योजनाएं, और मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, बार बार रिपीट करा रही हूँ, अभी जो फ़िलहाल HCS का उसमें 12 से 13 क्वेश्चन आए योजनाएं के, बजट के, सर्वे से, इकोनॉमी कंसेप्ट से, और भी आपकी चीज़ें से, करंट अफेयर जो हो गया, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर कराया जाता है। तो हमारे साथ बने रहे और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर करा लीजिए। अगर आपको कोर्स लेना है और टेस्ट सीरीज़ तो ले ले स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी से अपने आप को बंद कर ले, और जस्ट 35 दिन है, 35 दिन आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करें। आपका क्लियरिटी है, आपको कंसेप्ट आता है, कोई बात नहीं, आप क्या करें, एक तो रिवाइज़ करें, राइट, यही पूछते हैं स्टूडेंट, मैम लास्ट मोमेंट पे क्या करें, रिवाइज करें और लास्ट डेट तक टेस्ट सीरीज करें, और इसको इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करें, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप गोयला क्लासेस जो हैं प्ले स्टोर से इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी आपको ये जो है सेशन और रहेगा, हम कुछ टाइम के लिए जो पॉज ले रहे हैं, फिर हम करेंगे ज्योग्राफी और राजस्थान जीके के कुछ सवाल, बने रहे गोला क्लासेस। तो आप भी आ जाइए जल्दी से पानी वानी पी के, और हम अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन के और भी क्वेश्चंस। आप सभी का धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है राजस्थान जीके का। हम बात कर रहे हैं RAS का, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर वो सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब मेरे ख्याल से आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके उस तैयारी में थोड़ा सा और कुछ जो नई नॉलेज है उनको ऐड करने का काम करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले
बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। ये जो सवाल रहेंगे ये सारे आपके राजस्थान से, राजस्थान के जीके से ही रिलेटेड है, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसा हम जानते ही हैं कि आपका आरएएस के एग्ज़ाम में आप मान के चलिए 50 के अराउंड, 50 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान जीके से ही पूछे जाएंगे। तो हमारी ये ऑलरेडी एक वीडियो भी है जिसमें हमने ये बताया है कि अगर आपकी जो प्रिपरेशन है अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है या फिर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो किस तरह से आप कम से कम समय में, जो इतना टाइम रह गया है उस टाइम के अंदर जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपकी अवेलेबल है यूट्यूब पे। और जैसा कि आप जानते भी हैं हमारे जो गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्सेज कई लॉन्च किए गए हैं आरएएस को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपको मात्र जो क्रैश कोर्स पड़ेगा 2999 के अंदर पड़ेगा। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्ले करती हैं, तो उस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 999 बहुत ही कम जो अमाउंट है आपका टेस्ट सीरीज़ का रखा गया है। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं 3999 के अंदर। वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, इवन आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो स्पेसिफिकली आपके आरएएस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल अपने क्वेश्चंस को। जो पहला सवाल है हमारा वो है, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ पर स्थित है या फिर स्थित है कहाँ पर? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इंग्लिश में अगर बात करें, जाखम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट कहाँ पर? जोधपुर, डूंगरपुर, आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो देखिए, जाखम जो परियोजना है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट राजस्थान की परियोजना है जो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग लाइव हैं तो क्वेश्चन का आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो ये जो सवाल है आपका, इसका राइट आंसर आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ में आपकी ये जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना या फिर मल्टीपर्पज़ जो डैम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो 1986 में ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो गया था। और जाखम अगर नदी की हम बात करें, एक और सवाल आपका यहाँ से बनता है कि ये जो जाखम नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है या फिर ट्रिब्यूटरी है? तो माही नदी जो है आपकी राजस्थान में फ्लो कर रही है, तो नदियाँ वैसे भी राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ही नदियाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माही नदी की ही जो सहायक नदी है वो आपकी जाखम नदी है। और ये जो जाखम नदी है इसी के ऊपर ये आपका जो जाखम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट इसका पड़ेगा, कौन से ज़िले में स्थित है, तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। अब क्या ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से सिर्फ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ही जो शहर है या फिर गांव है वहाँ तक पानी जाता है? तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इससे लगभग 104 जो विलेजेस हैं, 104 जो गांव हैं वहाँ तक पानी की सप्लाई जो है सिंचाई के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए की जाती हैं। और इसमें जो आपका प्रतापगढ़ तहसील जो है वहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ तहसील होगा और आपका धारीवाड़ जो आपका तहसील है उसके बीच में ये जो डैम प्रोजेक्ट है आपका लगाया गया है। ओके, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अगर बात करें, जो नेक्स्ट लोकेशन देख लेते हैं हम, सबसे पहले लोकेशन आपकी यहाँ पर है, ये रहा आपका जाखम। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो प्रोजेक्ट है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ फार्मर्स आर रिलेटेड टू विच फार्मर मूवमेंट? सो यहाँ पर रूपाजी कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस स्थान आंदोलन से है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन ए की अगर बात करें, बिजोलिया, उसके बाद बी की बात करें बेगुम, या फिर सी बूंदी, या फिर डी की बात करें बेंगू और बूंदी, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। जैसे कि चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनके आंसर की अगर मैं बात करूं तो कौन सी जगह आपको आंसर नज़र आएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है बेगुम। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, तो उसकी वजह से रोकना पड़ा था। खैर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो। उसमें तो सवाल देखिए क्या है कि रूपा जी और कृपा जी दो इम्पोर्टेंट ऐसे पीजेंट थे या फिर किसान थे जिनका किसान आंदोलन से संबंध है। पहली बात तो देखिए, एक सवाल के अंदर कई सवाल निकल आए। पहली चीज़ तो रूपा जी और कृपा जी दो किसान थे जिनका संबंध किसी किसान आंदोलन से है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसान आंदोलन से संबंध है या किसी और आंदोलन से संबंध है। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो किसान आंदोलन है जिसके साथ इनके संबंध है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए हुआ क्या था हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो, जैसे मैंने बताया राइट आंसर बी है। जो आपका राजस्थान का चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उस टाइम पे आप जानते हैं देश की हालत किस तरह की थी। ब्रिटिशर्स टोटली जो है प्रॉफिट गेन करने का ही सोचते थे। किसान हो गए, मजदूर हो गए, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हुआ ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो कमाना चाहते थे। तो उसी हिसाब से राजस्थान के जो किसान थे, या फिर चित्तौड़गढ़ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, इस ज़िले के जो किसान थे, वहाँ से जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, जो किसानों से कर वसूली की जाती थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। तो उस वजह से ये जो दो किसान थे, वहाँ पे किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था और वो जो किसान आंदोलन था उसका नाम था बेगम। तो यहाँ से किसान आंदोलन ये स्टार्ट हुआ और इसमें ये आपके दो जो किसान थे रूपा जी और कृपा जी, ये मारे गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से कार्रवाई जो है वो की गई और उसकी वजह से ये जो दो किसान थे इनकी जो है ये मारे गए। इनकी जो शहीद है, शहीदी के तौर पे इनकी शहीदी दिन भी मनाया जाता है, तो ये शहीद हुए हम इस तरह से कहेंगे। और उनको मार्टियर्स, यहाँ पे लिखा है ना मार्टियर्स, मतलब कि शहीदों के तौर पर याद किया जाता है। उसके बाद ये जो किसान आंदोलन था, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उसके बाद जो है इस किसान आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, तो विजय सिंह पाठक थे और राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, इन दो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान थे जो शहीद हुए थे रूपा जी कृपा जी, इनकी शहीदी के बाद इन्होंने ये जो आपके है विजय सिंह पाठक और राम नारायण चौधरी, इन्होंने इस मूवमेंट को या फिर किसान आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य किया। अगले सवाल की बात करते हैं, जयपुर में मीनाकारी, मीनाकारी आपने सुना होगा, मीनाकारी एक कला है, ठीक है। आप यूँ कह लिए कि डिज़ाइन बनाने की एक कला है। आपको पिक्चर के थ्रू भी मैं बताऊंगा कि कौन सी कला है। तो ये जो कला है आपकी, ये राजस्थान की अपनी खुद की कला नहीं है, मतलब खुद की कला इन द सेंस, अब तो ये बहुत टाइम से, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर से राजस्थान में देखने को मिल रही है, बट ओरिजिन की अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो वो राजस्थान में इसकी देखने को नहीं मिलती है। ये जो कला है या फिर इसके जो कलाकार हैं उनको राजस्थान के अंदर लाया गया था। तो यहाँ पर सवाल उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है कि जयपुर में मीनाकारी की जो कला है वो महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक सवाल के अंदर ही आपको दो तीन सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है कि मीनाकारी की जो कला है वो पहली बात तो कौन लेके आया, महाराजा मान सिंह, महाराजा मान सिंह वो लेके आए हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती हैं। अब जो सवाल है हमारा वो ये है कि कहाँ से लेके हैं, चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, बंगाल से, चार ऑप्शन आपके पास नज़र आते हैं। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर है उसकी बात करेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, गलत होगा सही होगा उससे मैटर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौर। अब लाहौर कहाँ पर है, लाहौर आपका पाकिस्तान में है। तो देखिए महाराजा जो आपकी मानसिंह है वो जब इस कला को लेकर आए थे, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 16th century के अराउंड वो महाराजा मान सिंह, राजा ऑफ अंबर, ये जो मीनाकारी कला है वो भारत के अंदर या फिर यहाँ पर जयपुर में राजस्थान के अंदर लेके आए थे। अब इम्पोर्टेंट ये है, अब कला किस तरह से लेके आएंगे, वो कोई जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, उनको लेकर आए थे, क्योंकि कला आप और किस तरह तरीके से लेके आओगे, शिल्पकार जो आपके बनाने वाले हैं आर्टिशन उन्हीं को लेके आओगे। तो एक्चुअली में आपका लाहौर के अंदर मुग़ल पैलेस हुआ करता था और वहाँ से ये जो शिल्पकार हैं, जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने देखा वहाँ पर कलाकारी देखी, वो काफ़ी प्रसन्न हुए, ठीक है, उनको काफ़ी देखकर बहुत सुंदर लगी। तो उसके बाद वो वहाँ से ये जो कलाकार थे इनको मीनाकार कहा जाता है, इनको लेकर आए और यहाँ पर जयपुर के अंदर उन्होंने इनकी जो
ये कलाकारी है उसको बढ़ावा दिया अपने शासनकाल के अंदर। और अभी अगर आप देखेंगे तो मीनाकारी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनकर जयपुर उभरा है और इसमें लगभग कई शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मीनाकारी जो है एक वर्क नज़र आएगा, काम नज़र आएगा इन मीनाकार जो आर्टिशन हैं उनकी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो वर्क यहाँ पर कर रखा है। तो हमारे सवाल जो था उसका राइट आंसर क्या है, लाहौर। लाहौर से ये जो मीनाकार थे उनको लेके आया गया था राजा मानसिंह के द्वारा, और उसी के बाद ये मीनाकारी की जो कला है राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई या फिर लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी आपका पैलेस है, फोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर एक आर्ट गैलरी नज़र आती हैं, अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा कि बूंदी का जो पैलेस है वहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, बहुत ही सुंदर वहाँ पे कलाकारियाँ जो है वो की गई हैं। तो वो किसने करवाया था, चित्रकला जो वहाँ पर अंदर बनी है उसका निर्माण किसने करवाया था, क्या वो राव सुरजन थे या फिर राव अनिरुद्ध सिंह थे, महाराव बुद्ध सिंह थे या महाराव उम्मेद सिंह थे। चार ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, महाराव उम्मेद सिंह ने इस फोर्ट के अंदर ये जो आर्ट गैलरी है उसका जो है कंस्ट्रक्शन या फिर वो आर्ट गैलरी बनवाई थी। आर्ट गैलरी ऑफ द बूंदी पैलेस इज विजुअल डिलाइट, मतलब देखने में बहुत सुंदर है जैसे मैंने जिक्र किया। दिस गैलरी इज द पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेस नोन एज द उम्मेद पैलेस, उम्मेद पैलेस के अंदर ये नज़र आती हैं और ये बनाई गई हैं। उम्मेद पैलेस ही नाम जो है पैलेस का वो इन्हीं राजा के नाम पर है, तो आपके राव उम्मेद सिंह के नाम पर ही ये पैलेस का नाम है और वहाँ पर ये आर्ट गैलरी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, किसकी नज़र में, आपका जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी नज़र में, क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और उस टाइम पर कौन कहाँ का लीडर था, कहाँ पे कौन राजा था, किसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, कौन अगेंस्ट था, इस तरह के सवाल हिस्ट्री इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अभी का सवाल है, हु वॉज द महाराजा ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के समय कौन आदमी या फिर कौन महाराजा थे जो कि जोधपुर के राजा हुआ करते थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अनूप सिंह। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, इसका जो जवाब है आप जल्दी दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री है इसका, महाराजा तख्त सिंह। यहाँ पर ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर है, महाराजा तख्त सिंह जो है जोधपुर के राजा हुआ करते थे जिस टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था या फिर उसे क्रांति कहेंगे, क्रांति हुई थी। और ये उनकी महाराजा की एक पेंटिंग है, ठीक है, उनकी कई सारी पेंटिंग जो है बनाई गई थी, उनमें से एक पेंटिंग ये है आप देख सकते हैं। और इनका जो जन्म है 1819 में अहमदनगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल जाता है तीसरा। नेक्स्ट सवाल की, अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांस इज एसोसिएटेड विद दी जयपुर ओनली। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है, केवल जयपुर से संबंधित है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, केवल जयपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन है तुर्रा, कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। अगर आप राजस्थान का ट्रेडिशन देखेंगे तो इस तरह के जो डांस फॉर्म्स हैं राजस्थान की हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ ना कुछ वैरायटी अलग तरीके का नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है वो जयपुर से संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है स्वांग, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर ये स्वांग ही होएगा, ठीक है, स्वांग इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर वह स्वांग है, ऑप्शन टू है। तो स्वांग फोक म्यूजिक एंड डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू द जयपुर ओनली, कुछ इस तरह से ये जो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में पहन के ये जो फोक म्यूजिक है और डांस है वो किया जाता है। तो ये आपका स्वांग जयपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक है, उड़िया प्लेटू इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ऑप्शंस आर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये चार ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। लोकेशन हम देख लेते हैं इसकी क्या है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर माउंट आबू के पास आपको ये नज़र आएगा। और ये जो उड़िया प्लेटू है
या फिर इसको उड़िया भी पढ़ सकते हैं आप। ये 1360 मीटर के साथ सबसे हाईएस्ट प्लेटू है राजस्थान का, हाईएस्ट हाइट के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, तो 1360 मीटर हाइट के साथ, क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो ये भी आपके लिए मैटर करता है कि कितनी ज़्यादा हाइट पे है, 1360 मीटर। तो इस हाइट के साथ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा प्लेटू है, और ये कहाँ नज़र आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी मैटर करती हैं, कौन सा ज़िला है, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये जो प्लेटू है आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा पहला है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये आपका जो ये उड़िया प्लेटू है देखने को मिलता है। अगले सवाल की बात करें, किस स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है, मतलब किसकी स्मृति, मतलब किसकी याद में, इन हुज मेमोरी द तिलवाड़ा कैटल फेयर ऑर्गेनाइज। ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, उसके बाद मल्लीनाथ जी, चार ऑप्शन आपके पास नज़र आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन चार है, कौन सा, तिलवाड़ा का जो फेयर है वो आयोजित किया जाता है, या फिर जो राजस्थान का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो इस फेयर को ऑर्गेनाइज करता है। अभी के टाइम में अगर हम देखें 1958 के बाद से ये किया जाने लगा राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन पहले जो है ये फेयर आयोजित किया जाता था, क्यों कि तिलवाड़ा फेयर पहले इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक वॉरियर थे, ब्रेव वॉरियर, जिनका नाम था रावल मल्लीनाथ। उन्होंने एक जो थ्रोन है, मतलब कि अपना जो सिंहासन है वो ग्रहण किया था 1731 के अंदर, और उसकी खुशी में ये जो पहली बार जो कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, दूर दूर से लोग आए थे, तो उसकी खुशी में ये जो तिलवाड़ा फेयर है वो हर साल मनाया जाता है। और ये कैटल फेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो कैमल है, जो ऊँट है, उनका फेयर ये आपको देखने को मिलेगा, तिलवाड़ा फेयर। तो ये किसकी याद में हो गया, रावल मल्लीनाथ जी, तो ये चौथा आपका ऑप्शन है। अगले सवाल की बात करें, सही परियोजना या फिर सही प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है उसका संबंध किस बांध से है, ये प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड सवाल ये पूछा गया कि ये जो सही प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये कौन से डैम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चार ऑप्शन, जवाहर सागर बांध, हरिके बांध, जवाई बांध, गांधी सागर बांध, चार ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। लोकेशन देख लेते हैं, ये रहा आपका जवाई डैम, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन तीन जो है, जवाई बांध जो है वो आपका सही डैम से संबंधित है। तो ये आपका जो सही डैम है, ये साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है उसके ऊपर बनाया गया है, सही रिवर, ये साबरमती रिवर की सहायक नदी है, उसी के ऊपर ये आपका सेई डैम, या फिर इसे जवाई डैम भी कहेंगे, वो आपका बनाया गया है। और ये जो रिवर है ये आपका कोटरा तहसील ऑफ उदयपुर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है हमें। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डैम इज़ टू स्टोर द वाटर फॉर द डाइवर्जन टू द जवाई डैम इन पाली डिस्ट्रिक्ट। जो इसका मेन जो संबंध है सही डैम का, वो क्या है कि यहाँ पर पानी जो है उसको रोक कर जो आपका जवाई डैम है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ तक ये जो पानी है पहुँचाया जाता है। तो आपको राइट आंसर मिल गया आपका कि सही डैम का जो संबंध है वो जवाई बांध के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका मज़ार फखरी जो है वो निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में स्थित है, जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, चार आपको ऑप्शन नज़र आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरपुर इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, सो ऑप्शन तीन जो है डूंगरपुर। मज़ार ए फखरी इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन दी गलियाकोट दुर्गपुर, इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस, मतलब धार्मिक स्थल है, मेनली फॉर दी दाऊदी बोहरा पीपल। ये कौन है दाऊदी बोहरा पीपल, ये एक सेक्ट है शिया इस्माइली, मतलब कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला एक सेक्ट है शिया इस्माइली, वहाँ उन्हीं में से जो लोग होते हैं दाऊदी बोहरा पीपल वो हैं, उनकी ये मज़ार, या फिर आप इसको मज़ार कहेंगे, मज़ार फ़करी यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और ये कहाँ पर है, ज़िला कौन सा है, डूंगरपुर में ये नज़र आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका आखिरी सवाल होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज रिकॉर्डेड एज द मिनिमम इन 2011। सेंसस भारत की 2011 में लास्ट हुई है, हर 10 साल बाद सेंसस होती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, बट 2021 में सेंसस नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, सो
अभी तक जो नेक्स्ट सेंसस है वो हुई नहीं है, तो प्रीवियस डाटा जो है हम उसके अकॉर्डिंगली बात करें, और मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट सेंसस भी होगी तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा बदलाव ये जो पॉपुलेशन जो हमारा सवाल है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अगर आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर पहला है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो अगर नई सेंसस भी होती है तब भी मेरे ख्याल से जो मिनिमम पॉपुलेशन जो है देखने को मिलेगी वो इन्हीं तीन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है इनकी लोकेशन पे। अगर आप देखें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तीनों जो ज़िले हैं वो कहाँ हैं, आपके वेस्टर्न साइड ऑफ द राजस्थान है। वेस्टर्न साइड का मतलब क्या है, थार डेजर्ट, ठीक है, गर्मी, तो पानी की उपलब्धता कम होगी। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पानी नहीं है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी कम होगी। तो इस वजह से जो राइट आंसर है आप देखने को मिलेगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जो हैं वहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से आरएएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, इसमें आपको प्रीलिम्स के लेक्चर मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आपको एक वीडियो लेक्चर्स अगर आप बाय करना चाहें तो 2999 में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे। अगर आप इंडिपेंडेंटली अलग से सिर्फ टेस्ट सीरीज ही बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर मिले विद एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन बाय इट, 999 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप कंप्लीट कोर्स भी बाय करना चाहें जिसके अंदर स्टडी मटेरियल और ये सब चीज़ें होंगी, तो वो आपका 3999 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और बाकी सब चीज़ें भी। आगे अगर बात करें, ये हमारी गोला क्लासेस के लिए कुछ रिव्यू आप देख सकते हैं। ये मैम है महक स्वामी मैम, एज अ IPS ये अभी देखने को मिलते हैं आपको। उसके अलावा बात करें मयंक मुदगिल जी, इनका रैंक इसी साल UPSC के अंदर देखने को मिलता है। सो ये IPS लगे हैं 2023 के अंदर, जो प्रीवियस पेपर था, एग्ज़ाम था उसके अंदर। अगर बात करें आकृति सेठी मैम, ये IAS हैं, और ये हमारे कुछ स्टेट PCS के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं जो हमने अचीव किए हैं। तो आप अगर बहुत जल्दी अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर कोई भी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर हमारे लेक्चर्स कोर्सेज से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये जो ऐप है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या PC वगैरह नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमारी मोबाइल ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जो अपडेट हैं हमारे इस तरह के लेक्चर्स की वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।